बाबा कथा सुना रहे हैं, पर सती जी का अब भी ध्यान नहीं। अच्छा, जिसका कथा में ध्यान नहीं होगा ना, वो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, कभी ऊपर देखेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, बस वो लक्षण से पता चल जाएगा कि मन नहीं है। भोले बाबा कथा सुना रहे, सती जी कभी ऐसे देखती हैं, कभी ऐसे देखती हैं, कभी ऐसे। भोले बाबा ने कहा, देवी बहुत देर तक तो नहीं कहा, फिर कहा, देवी क्या करती हो, ये क्या करती हो, कथा में ध्यान रखो ना। सती जी क्या कहते हैं, प्रभु ये आकाश में इतने विमान उड़ के कहां जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, देवी विमानों को उड़ने दो, उड़ने दो, तुमको कोई कुछ थोड़ो कह रहा है। बोले, नहीं, ये इतने देवता लोग देवियां बैठ बैठ के जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, देवी ये तो दुनिया है, कोई कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी। अब हमने सबका ठेका ले रखा है कि हमको सबके बारे में पता हो, कौन कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, और जिसको जहां जाना है जाने दो। नहीं प्रभु, ये सारे देवता एक ही दिशा में जा रहे हैं, पता तो चले, कौतूहल हो रहा है ना, सब सज धज के जा रहे हैं एक दिशा में। बताइए, आप तो अंतर्यामी हो ना। अच्छा, गुरु के अंतर्यामी पने का प्रयोग हमें इस बात में करना है। शिव अंतर्यामी है, सत्य है, लेकिन गुरु अंतर्यामी है, शिव अंतर्यामी है, तो उस अंतर्यामी पने का लाभ हमें यह लेना है कि दुनिया कहां जा रही है ये पूछें। अरे गुरु के अंतर्यामी पने का लाभ तो यह है कि मेरा मन कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, मैं ये पूछूं। अरे प्रभु लीला कहां कर रहे हैं, गोलोक में क्या हो रहा है, साकेत लोक में क्या हो रहा है, मैं ये पूछूं कि लोग कहां जा रहे हैं, मैं ये पूछूं। अब पूछ के क्या हो जाएगा, दूसरे के मन की बात हमने जान भी ली तो क्या होगा। भैया कल्याण तो अपने मन की बात जाने से होगा, और अपनी मन की बात जाने से और उसको बनाने से, सुधारने से कुछ लाभ होगा। आप सबके मन की बात जान लिए, क्या होगा लाभ, तो यह है यहां ऐसी कथा हो कि सबका मन भोलानाथ के चरणों में लग जाए ना। कथा की महिमा तो यह है ना कि जहां प्रसंग चल रहा है सबके मन को खींच करके यही ला दिया जाए, ये कुशलता है। और केवल मन की बात जान के उसकी व्याख्या करने पे क्या लाभ होगा, केवल वाहवा मिलेगी उसके अलावा, और हमको नहीं लगता ना सामने वाले का कल्याण कुछ होगा ना अपने ही कुछ होगा। भैया प्रारब्ध ऐसे नहीं कटा करते, प्रारब्ध ऐसे नहीं कटा करते। सती जी कहती हैं, सब लोग कहां जा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, छोड़ो देवी, जो जहां जा रहा जाने तो। बोले, नहीं आपको बताना होगा। अच्छा बता दूंगा तो कथा सुनोगी। हां प्रभु, बस मन में कौतूहल है, फिर दोबारा कुछ मत पूछना। नहीं पूछूंगी, ये जितने देवता हैं सब तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। पिताजी के घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब मैंने कहा था ना फिर प्रश्न न करना, नहीं ये बता दो क्यों जा रहे हैं। अरे देवी, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है। हाँ, सबको बुलाया है। अरे सबको बुलाया है, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। किसी के घर में कोई बड़ा उत्सव हो तो क्या अपनी वो सगी बेटी को बुलाना भूल जाएगा। बेटी दामाद को तो सब में पहले बुलाया जाएगा, तो अपनी बेटी को भूल गए। भोले बाबा अभी भी बात नहीं बढ़ाए, ऐसी विवाद की बातों को सिमटाए बढ़ाए ना, अभी भी कुछ नहीं बोले। हां भूल गए होंगे, लेकिन सती जी कहां चुप रहने वाली थी। सती जी ने कहा, प्रभु ये आप इतने ऊंचे बर्फ के पहाड़ पे बैठे हो ना कैलाश पे, ये लगता है डाक की गड़बड़ी के कारण निमंत्रण पत्र नहीं पहुंच पाया होगा आपके पास। ये इतने ऊंचे पर्वत पे बैठे हो, ये डाक की गड़बड़ी के कारण पत्र नहीं आ पाया होगा। भोले बाबा हंस के कहे, देवी डाक की गड़बड़ी नहीं, तेरे पिता के दिमाग की गड़बड़ी के कारण पत्र नहीं आ सका। अरे नहीं नाथ, ऐसा क्यों हुआ, अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया। तब भोले बाबा ने कहा, देखो देवी,
मैंने तुमको बताया नहीं, चूंकि व्यर्थ की बात करने से लाभ भी क्या है? क्या नहीं बताया आपने? अरे एक बार ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में एक सभा बुलाई थी ताकि षष्ठी का संचालन का कार्य, पालन आदि का कार्य ठीक से होता रहे, सबको बुलाया था, हम भी गए थे। अच्छा, आपके पिताजी भी आए थे। अब तुम्हें तो पता है मैं गया, अब सभा शुरू होने में देर थी, तो मुझे समय खराब करने की तो आदत नहीं, मैं थोड़ी देर बैठा, नाम जप करने लगा। नाम जप करते करते मेरी समाधि लग गई। आपके पिताजी सबसे आखिर में आए। आखिर में क्यों आए? आखिर में इसलिए आए कि पहले मैं चला जाऊंगा तो मुझे सबको प्रणाम करना होगा, और मैं आखिर में जाऊंगा तो सब मुझे प्रणाम करेंगे, इसलिए जान पूछ के देरी से आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब जब तुम्हारे पिताजी आए तो वो प्रजापति हैं और तुम्हारे संबंध से मेरे पिता लगते हैं, ससुर लगते हैं, इसमें कोई बात नहीं। सब उनके सम्मान में खड़े हुए। देवी, मैं चूंकि समाधि में था इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पाया, मैं देख ही नहीं पाया उनको, समाधि में था। बस तुम्हारे पिताजी इसी बात में नाराज हो गए। उनको लगा कि मैं जान के नहीं उठ रहा हूं, और बस इसी बात पर वो मेरी निंदा करने लग गए, बहुत कुछ अनाप शनाप बोलने लग गए, गाली तक देने लग गए। भोले बाबा को तो खबर नहीं, वो बोलते चले गए प्रजापति दक्ष, लेकिन भोले बाबा ने उत्तर नहीं दिया। कबीर दास जी इस प्रसंग के ऊपर दोहा कहते हैं। कबीर दास बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, और पलटत होए अनेक। जब गारी आती है, गाली तो एक होती है, पलट दे तो अनेक। आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, कह कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। पलटो मत, पर इतना साहस होना। हम समाज में साहसी या बहादुर उसको कहते हैं जो दूसरे को मार दे। वास्तव में शास्त्र कहते हैं साहसी कौन है? जो सहता है, जिसके पास सहन शक्ति है। असली साहसी वो है अपनी प्रतिकूल परिवार की परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को सहते हुए आगे बढ़े। जो दूसरे को गिरा के कुचल के आगे बढ़े वो साहसी नहीं है, जो सहते हुए आगे बढ़े वो साहसी है। शिव कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदीश्वर आदि गण थे, वो कहां सहते? प्रजापति दक्ष बोलते ही रहे, ये तो अघोरी है, ये तो ये है, ये तो वो है, ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी इसको दे दी है, किस लायक है ये वो, बहुत कुछ गलत बोला। करते करते इतने गुस्सा हो गए दक्ष कि श्राप दे दिया भोले बाबा। क्या श्राप दे दिया? कि शिव को यज्ञ में भाग न मिले, यज्ञ भाग से वंचित हो जाए शिव। इतना तक कह दिया। धन्य है भोले बाबा, हमारे अभी भी आंख नहीं खुली। लेकिन जो नंदीश्वर थे उनसे नहीं रहा गया, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हरिहर निंदा सुनहि जकाना, पाप लगे गौ घास समाना। जो हरि की, हर की, गुरु की निंदा सुनते हैं उनको गोहत्या का पाप लगता है, हमें निंदा सुनने का पाप। अरे तुझे श्राप देने आते, हमें श्राप देने नहीं आते, मैं भी तुझे श्राप दूंगा। अरे दक्ष, जिस मुंह से तूने शिव की निंदा करी है वो तेरा शीश कट जा। ये क्या हुआ? वो तो सभा बुलाई गई थी व्यवस्था संभालने को, वो तो बिगड़ गई व्यवस्था। नंदीश्वर ने जब दक्ष को श्राप दिया तो जो दक्ष के लोग थे उन्होंने फिर शिव गणों को श्राप दिया, शिव को मानने वाले ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं। तब शिव गणों ने भी श्राप दिया और आखिर में तो मरने मारने की नौबत आ गई। बलिहारी, अब भोले बाबा की समाधि खुली,
अब खुली समाधि। अब भोले बाबा समाधि खोल के पूछे, क्या हुआ क्या हुआ? नंदेश्वर बोले, धन धन बोले नाथ, यहां तो क्या से क्या और प्रभु कह रहे हैं, क्या हुआ? अरे इन्होंने आपको ऐसा ऐसा शब्द कहे और आपको श्राप तक दिया। भोले बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, कहा तो कहा, अब इन्होंने हमारी निंदा करके अपनी जीभा गंदी की, हम अपना मुख गंदा क्यों करें, हम कुछ नहीं कहेंगे। और सर्व समर्थ होते हुए भोले बाबा उठे आए। वो दक्ष क्या है शिव के सामने, शिव संकल्प करें तो वो नष्ट हो जाए, पर सामर्थ रहते क्षमा करना, इसको क्षमा कहते हैं। सामर्थ रहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, इसको क्षमा कहते हैं। दुर्बल को तो क्षमा करना ही पड़ेगा, सामर्थ रहते क्षमा करें इसे क्षमा कहते हैं। लौटे आए, भोले बाबा ने कथा सुनाई, देवी बस उस दिन से तुम्हारे पिता मेरे से बैर मानने लगे हैं, और अब तुम पूछती हो यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने मुझे यज्ञ भाग से वंचित कर दिया है। अब जब से मुझे यज्ञ भाग से वंचित किया है, तब से सृष्टि में यज्ञ होने बंद हो गए, कि भाई हम यज्ञ करें शिव को वंचित करें अपराध लगेगा, तो केवल मेरा अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, तो इसलिए तुम्हारी बाकी 15 बहनों को बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। अरे राम, सती जी के मन में अग्नि उत्पन्न हो गई इस बात को सुन के। कल की कथा याद करिएगा, जब दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा को अवतार लेने की प्रार्थना की थी, तो जगदम्बा ने क्या कहा था आपको याद है ना? दक्ष को कहा था, मैं बेटी बन के तुम आऊंगी, लेकिन जब तू मेरा अपमान करेगा, मेरे स्वामी का अपमान करेगा, तो मैं तेरा काल बन जाऊंगी, मेरे कारण तेरा विनाश होगा। तब सती जी ने कहा, प्रभु मैं तो पिता के घर जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, देवी इतनी बात सुनने पर भी जाओगी? अब ये बात प्रकट में तो सती जी ने नहीं बोली, पर अब सती जी को लग गया कि अब मेरी देह छूटने का समय आ गया है। एक तो मैं शिव के अनुकूल आचरण नहीं कर सकी, और दूसरा जिस पिता के द्वारा मेरी देह प्रकट हुई है, वह पिता अब मेरे स्वामी का निरादर कर रहा है, तो अब बस अब यह देह मुझे नहीं रखनी। बाहर से क्या कहा, भीतर तो यह कारण है, बाहर से क्या कहा, प्रभु पिता ने नहीं बुलाया तो क्या हो गया, पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर बिना निमंत्रण के भी जाते हैं। गुरु निमंत्रण न दे कोई बात नहीं, उनका घर हमारा घर है, पिता निमंत्रण न दे उनका घर हमारा घर है, तो पिता भूल गए या जिस कारण ने, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने फिर रोका कि तुमने ठीक कहा कि पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, पर जहां जाने से बैर बढ़ता हो वहां नहीं जाना चाहिए। फिर वो कोई जहां जाने से बैर बढ़ता हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती जी ने हट किया। शिव जान गए, तब सती जी को कहा, ठीक है अब नहीं मान रही हो तो जाओ जाओ। शिव पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि जब सती जी चली हैं, सिंह पे बैठ के गई हैं महाराज, और उस समय सती जी के सब गण हैं, भोले बाबा ने कहा, अपना सब सामान रख लो साथ में, सती जिन जिन तोता मैना से खेलती थी वो तोता मैना भी ले जाओ, क्योंकि शिव को पता है अब ये लौटेंगी नहीं, और इनकी कोई वस्तु रह जाएगी तो मुझे इनकी याद आएगी, मेरे भजन में विक्षेप होगा, ये शिव का स्वरूप है, जाओ। आखिर में सती जी ने प्रणाम किया है, चल पड़ी हैं, पहुंच गई। कहां यज्ञ हो रहा था बताइए? यज्ञ हो रहा था कनखल में, हरिद्वार के पास स्थान है ना कनखल, आज भी वहां मंदिर है सती जी का, वहां यज्ञ हो रहा था। दिव्य यज्ञ के मंडप गड़े थे, विशाल यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र थे। सती जी पहुंच गई,
लेकिन उनकी अगवानी करने को कोई था ही नहीं। वो किसी छोटे मोटे की पत्नी तो है नहीं, कोई स्वागत को नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया, घर में गई। उनकी 15 बहनें, उनसे बड़ी 15 बहन है, वो आई, कोई मिले ना। सती जी से क्या पूछती, अरे सती तुझे तो पिताजी ने नहीं बुलाया था, तू फिर भी आ गई, चल कोई बात नहीं, भोजन करने आई होगी। अरे तेरे पति के यहां तो दाल रोटी का प्रबंध होता नहीं। अरे सती तेरे पति ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि ऐसे उघाड़ा डोलता है, कुछ घर की व्यवस्था हो गई कि अभी खुले पहाड़ पे ही रहती है। बहुत कुछ बोलती रही सती जी ने कहा चलो बहने हैं, हंसी में कह देती हैं, बुरा नहीं माना। मां सामने दिखाई दी, मां से मिलने को भागी प्रसूति जी से, पर मां भी दाएं बाएं हो गई, चूंकि दक्ष का डर था, सबको कह रखा था सती आ जाए तो मिलना नहीं। क्या हुआ, मेरे से कोई नहीं मिलना चाहता? क्यों नहीं मिलना चाहते? जिसका शिव रूठ जाएगा उससे सब रूठ जाएंगे, जिसका शिव राजी है उससे सब राजी है। शिव तत्व माने गुरु कृपा। दुनिया में कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, वो साधारण कहावत है पर मूल में यही बात है। शिव असंतुष्ट है तो फिर कोई राजी नहीं होगा, शिव संतुष्ट होते तो सब कुछ संतुष्ट होता। क्या करूं, अब कहीं मन नहीं लगता, कोई पानी को नहीं पूछ रहा, कोई बैठने को नहीं कह रहा, क्या करूं। मन हुआ चलो जहां यज्ञ हो रहा है वहां चली जाती हूं, यज्ञ में थोड़ा देख करके घूम करके मन बहल जाएगा। जिसका गुरु तक उससे रूठा है वो कहीं चला जाए, उसका कहीं मन नहीं लगना, उसको कहीं समाधान नहीं मिलना, कहीं घूम आइए। शांति खोई है घर द्वार में और ढूंढने जाए हरिद्वार में तो मिलेगी नहीं, जो वस्तु जहां खोई है वहीं मिलेगी। यज्ञ में पहुंच गई, यज्ञ देखा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, लेकिन यज्ञ बहुत बड़ा था, आयोजन बहुत बड़ा था, पर क्यों हो रहा था, शिव को नीचा दिखाने के लिए हो रहा था, शिव को नीचा दिखाने को। गुरु की अवहेलना करके साधन होएगा कि पतन होएगा। शिव तत्व माने गुरु तत्व, शिव माने कल्याण, शिव माने हरि की कृपा। कोई गुरु की अवहेलना करके यज्ञ करेगा वो सफल होएगा कि नाश होएगा? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जाई सती देखे तब जागा, जागा माने यज्ञ, जाई सती देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। पूरा यज्ञ देखा, नारायण की पीठ है, ब्रह्मा जी का स्थान है, इंद्र का स्थान है, सप्तऋषियों का स्थान है, शिव का स्थान नहीं है। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं शिव का स्थान नहीं है, शायद पिताजी भूल गए हो। तभी दक्ष आ गए वहां पे, पिता को प्रणाम किया, पिताजी क्या आप मेरे स्वामी का भाग रखना भूल गए? उनका आसन कहां है? सरे देवताओं के आसन है, महादेव का आसन कहां है? आप तो जानते हैं महादेव की कृपा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, तो महादेव का स्थान कहां है? बस ये सुनना था, आग बबूला हो गए दक्ष, क्यों आई तू, किसने बुलाया था तुझे? तू जानती नहीं मैंने तेरे साथ तेरे पति का त्याग कर दिया, वो तो ब्रह्मा ने मुझको कह दिया, जो मैंने अपनी बेटी उस अघोरी को दे दी, न तो उसमें कौन गुण है, मैंने तेरा त्याग किया, तू क्यों आई? मैं भूला नहीं, मैंने जान पूछ करके उस यज्ञ में उसको भाग नहीं दिया, मैं बताऊंगा कि शिव के बिना भी यज्ञ हो सकता है, शिव के बिना नारायण प्रसन्न हो सकते हैं। अरे मैं शिव को नहीं मानता तो क्या हुआ, मैं नारायण का भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं नारायण की भक्ति करके नारायण को प्रसन्न कर लूंगा। सती जी ने कहा सावधान दक्ष,
तू शिव की अवहेलना करके नारायण को प्रसन्न करेगा? अरे नारायण चक्र लेकर तेरा सिर काटेंगे। तू शिव की अवहेलना करके नारायण को प्रसन्न करेगा? अरे दक्ष भूल गया, जब तूने अवतार लेने के लिए प्रार्थना की थी तो मैंने क्या कहा था, जब तू मेरी मेरे स्वामी की अवहेलना करेगा तेरा नाश हो जाएगा, अब तेरे यज्ञ का नाश हो गया। शिव महापुराण में तो बहुत वर्णन है, उसी समय सती जी वहीं बैठ गईं, उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया, नेत्र बंद कर लिए, जो अपनी आंचल था उस आंचल से शरीर को ढक लिया, ये पापी मुझे न दिखाई दिए। दक्ष शुक्र संभव यह देही, तेरे शरीर से मेरी शरण देह बनी है ना, अब इस शरीर को जला के भस्म करूंगी। इस दुनिया में जगत में कोई मुझे तेरी बेटी न कहे, मुझे तेरी बेटी होने का कलंक नहीं रखना। उत्तर दिशा की ओर मुकर के बैठ गई और अपने प्राणों का उधर गमन करने लगी। अब वो तो महायोगिनी है ना, उनसे तो सैकड़ों योगिनी प्रकट होती हैं, वो तो महायोगिनी है, महामाया है, योग माया है। अपने प्राणों का उधर गमन करने लगी, नाभि से अपने प्राणों को उठाते 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 कंठ में ले आई, कंठ से उठाते उठाते अपने प्राणों को भ्रपटी के मध्य में ले आई, ब्रह्म कपाल में ला करके प्राणों को उपस्थित कर दिया और योगाग्नि के द्वारा पहले अपने भीतर के अंगों को दग्ध कर दिया, वहीं बैठे बैठे देह का त्याग कर दिया और अपनी उस असमर्थ देह को लेकर के सती जी उसी यज्ञ कुंड में कूद गए। जो सती की देह यज्ञ कुंड में गिरी, हाहाकार हो गया, आकाश से तारे टूट टूट के गिरने लगे, चंद्रमा में छिद्र दिखाई देने लगा, गाय रोने लगी, नंदी रोने लगे, हाहाकार मच गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे सती जी यज्ञ में कूदी, अस कभी जो गया गनी तनो जारा, अस कभी जो गया गनी तनो जारा, अस कभी जो अगनी तनो जारा, अस कभी जो पर बलिहार गोस्वामी जी कहते हैं, जब देह जल रही थी यज्ञ कुंड में और आदि शक्ति के प्राण उधर गमन कर रहे थे, आहा उस समय सती जी ने क्षमा मांगी है। अच्छा माँ ये करके बता रही है, पहले क्षमा मांग लेती तो जलना नहीं पड़ता, हम लोग भी समय से क्षमा मांग लेंगे तो पापाग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, कहीं क्रोधाग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, और नहीं मांगेंगे तो जलना पड़ेगा। इसलिए साधक की साधना का अनिवार्य अंग है प्रतिदिन हरि गुरु से क्षमा याचना हो, प्रतिदिन क्षमा याचना हो। जैसे प्रतिदिन स्नान करके अपनी देह के मैल को छुटाते हैं, ऐसे प्रतिदिन क्षमा याचना करके अपने अपराध का मार्जन साधक को करना चाहिए। योग अग्नि में शरीर जल रहा था, लपटें उठ रही थी और तभी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही थी। किससे क्षमा मांग रही थी जानते हैं? भोलानाथ से तो मांगी थी, गुरुदेव से तो मांगी थी, गोविंद से भी मांगी थी, रघुनाथ सामने प्रकट हो गए, श्री राम से क्षमा मांग रही हैं, क्षमा कर दो, नकली सीता बनी थी, नकली सीता बनी थी, भक्ति का नाटक किया था मैंने। अरे रघुनाथ मैंने तुमको छलना चाहा था, तुम तो कहते हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मैं आपसे ही कपट करने चली थी, मैं नकली सीता बन के आपको बहकाना चाहती थी, माफ कर दो, शिव तो मुझे नहीं स्वीकारेंगे, शिव आपकी बात मानते हैं, आप उनसे कह के मुझे क्षमा करा दीजिए। अब उनसे तो माफी मांगने लायक भी नहीं रही, क्योंकि उनकी इतनी निंदा मैंने अपने कानों से सुन ली है, हाय कैसे क्षमा मांगूं।
उस समय रघुनाथ सामने प्रकट हो गए थे। अब प्रसन्न होके रघुनाथ ने कहा, अरे ये तो उस भोलानाथ की लीला है, अब उस लीलाधारी की लीला में मैं क्या बोलूं, पर हां आपने अंतिम समय मुझे याद किया है, इस लीला में वर मांगिए, वर मांगिए, वर मांगिए। ये जो चौपाई है बंधुओं, ये वैष्णवों को हृदय पे लिख लेने लायक है। ये जो चौपाई है, शरीर जल रहा है लेकिन क्या चाह रही हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 जन्म जन्म शिव, जन्म जन्म शिव, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आहा, क्या कहना, आखिर में बाजी जीत गई। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पद अनुरागा। ओ माँ सिखा रही है अपने बच्चों को, बस जो छूटता हो छूटे, जो रहता हो रहे, हरि गुरु के चरण का अनुराग नहीं छूटे। इस जगत में चीजें मिलती रहेंगी, छूटती रहेंगी। अरे ये देह भी छूटेगा, ये देह भी तो छूटेगा, और वस्तु की तो क्या गिने भैया, देह भी छूटेगी, चीज छूटती रहेंगी, मिलती रहेंगी, कोई आएगा कोई जाएगा, ये नाटक चलता रहेगा। पर जन्म जन्म, जब जन्म जन्म कहा ना, तो श्री राम सती जी से क्या बोले, जन्म जन्म, तो अभी और जन्म लेने हैं क्या आपको? अब तो ये कहिए ना कि आखिरी, चलो एक जन्म गया, अब अगला जन्म तो आखिरी हो। सती जी ने कहा, मुझे खबर नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि मुझसे फिर गलती होगी या नहीं होगी, हो सकता है फिर गलती हो और मुझे फिर उसका दंड भी भोगना पड़े, मैं ये संभावना मान के चलती हूं। जीव से बार बार गलती होगी और जीव को उसका दंड भी मिलेगा, वो भी सत्य है, पर हे ठाकुर, हे गुरुदेव, तेरी प्रीत न छूटे, बस तेरी प्रीति न छूटे। वो यदि प्रीति बनी रही, नहीं तो जन्म जन्म, जन्म जन्म का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी तो मोक्ष चाहता है ना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, पर हमारे भक्ति शास्त्र कहते जन्म जन्म, माने भले मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, भले अपने किसी कर्म के कारण जन्म लेना पड़े, आपकी इच्छा के कारण जन्म लेना पड़े, जैसे जन्म लेना पड़े, लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुराग, शिव के चरणों का अनुराग न जाए, न जाए, न जाए। मुझे जितने भी जन्म लेने पड़े, मुझे शिव के चरण ही मिले। आहा, जैसे ये कहा रघुनाथ ने, दोनों हाथ उठा के कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सती जी की देह भस्म हो गई। जैसे शिव गणों को पता चला, हाहाकार हो गया, शंकर जी पे समाचार पहुंचा। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जटा को प्रभु ने पटका है, जटा के दो भाग हुए हैं, एक भाग से कृत्या तो दूसरे सिरे से वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ विध्वंस की आज्ञा दे दी है, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। आखिर में दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष के लोग लड़ने तो आए, लेकिन जितने दक्ष के समर्थक थे, वो बोले महात्मा ही क्यों न थे, सबके अंग भंग हुए। पढ़ के देख ले, कोई किसी को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि गलत बात का समर्थन कर रहे थे।
दधीची जीछे उस समय यज्ञ में दक्ष को कहा, ये क्या करते हो, शिव का स्थान नहीं रखा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा इस यज्ञ से। लेकिन दधीची जी की बात नहीं सुनी, तो दधीची जी ने कहा, तुम गलत कर रहे हो यज्ञ में, मेरी बात नहीं मान रहे, मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हारा अनिष्ट होगा, नहीं मान रहे तो मैं जा रहा हूं, फिर यदि मैं यहां रहूंगा तो तुम्हारे पाप में भागीदार कहलाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं यहां। तो दधीची जी बचे, बाकी सबके अंग भंग हुए और उस दक्ष का तो सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। शिव की अवहेलना करके बड़ा महान बनने चला था दक्ष, क्या परिणाम हुआ? गुरु तत्व की अवहेलना करके गोविंद को पाने चला था, क्या परिणाम हुआ? नाश हो गया। आखिर में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है, भोले बाबा आए हैं, सती जी की उस मृतक देह को उठा करके षष्ठी में भ्रमण किया है, नारायण ने अपने चक्र से सती जी के अंगों का उच्छेदन किया है, जहां जहां सती जी के जो जो अंग गिरे हैं वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई है। आखिर में भगवान नारायण किसी प्रकार भोलानाथ को शांत करते हैं, भोलानाथ यज्ञ भूमि में आके उपस्थित होते हैं, ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो जगत पिता हो, भले लीला में दक्ष को अपना ससुर आपने बनाया हो, पर वास्तव में तो सारा जगत आपकी संतान है, क्षमा करिए प्रभु, यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है, अधूरा नहीं रहना चाहिए, और इन्होंने यज्ञ की दीक्षा ले रखी थी, हम सबका आह्वान कर रखा था प्रभु, अनुष्ठान खंडित नहीं होना चाहिए, इसको जीवित कर दो। भोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी अगर ये जीवित हो जाएगा तो इसका श्राप भी जीवित हो जाएगा, मुझे श्राप दिया है ना कि यज्ञ में भाग न मिले शिव को। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, आपको यज्ञ भाग नहीं तो यज्ञ का शेष आपको प्राप्त होगा। भोले बाबा कहे, तब तो अच्छा है, यज्ञ नारायण का स्वरूप है तो यज्ञ का जो शेष भाग है वो नारायण का प्रसाद हो गया, और भागवत जी में लिखा है, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम महत। नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री नारायण, ऐसे वैष्णवों में सर्वोपरि वैष्णव कौन है? भोलानाथ। तो वैष्णव तो सदा प्रसाद ग्रहण करते हैं, नारायण यज्ञ का स्वरूप है तो जो नारायण का अवशेष है, माने यज्ञ का जो शेष भाग है वो नारायण का प्रसाद हो गया, अब मैं नारायण का प्रसाद ग्रहण करूंगा, इसको कैसे जीवाएं? तो उस बकरे का सिर लेकर के आओ। उस बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगाया है, भोले बाबा ने महामृत्युंजय का पाठ किया है, दक्ष के भीतर प्राण आ गए हैं। आखिर में भोलानाथ के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी है, शरीर तो मनुष्य का, सिर बकरे का, अब मंत्र बोल के क्षमा मांगना चाहता है तो मंत्र नहीं निकलता मुख से, ओम बोलना चाहता है तो भूम भूम निकलता है, तो तब से शिव भक्त अब ओम बोलना चाहता है, मुख से बोम बोम निकलता है, तो ये सुन के भोलानाथ को हंसी आ गई। ये बात सुन शिवगणों ने कहा, ठीक है भैया, अब जो कोई भी शिव मंदिर में जाएगा क्या बोलेंगे? बम 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 बम। ये सुन के भोलानाथ खुश हो जाते हैं, समाधान हो गया। शिव लौटे आए और अब शंकर जी तो सहज वैराग्य का स्वरूप हैं, वो तो शाश्वत वैराग्य हैं, लेकिन जब से सती जी की देह छूटी तब से शिव का वैराग्य और प्रबल और सबल हो गया, और शंकर भगवान अब तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जब ते जाई सती तन त्यागा, और क्या करते हैं उन दिनों, बस भोले बाबा या तो रघुनाथ का नाम गाते हैं या रघुनाथ की कथा सुनते हैं, अब सुनाते भी नहीं, कहां सुनते हैं, कभी नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं भोलानाथ, वहां काग भुशुंडी जी के मुख से
राम कथा सुना करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, खूब घूमे और फिर एक जगह बैठ गए और फिर ध्यान करने लगे। अर्थ क्या है? देखिए, सती हैं श्रद्धा, शिव हैं विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ होना चाहिए। अकेली श्रद्धा भी नहीं चल पाएंगी, रह पाएंगी, अकेले विश्वास भी नहीं। श्रद्धा है, विश्वास नहीं है जीवन में, तो वो व्यक्ति डामाडोल रहेगा हर समय। श्रद्धा तो कहीं भी कर लेता है पर विश्वास नहीं है। अच्छा, विश्वास है श्रद्धा नहीं है, उसके अहंकारी होने की संभावना है। श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए, इनका गठजोड़ होना चाहिए। विश्वास, भोलानाथ फिर से अंतर्मुखी हो गए और नित्य बंद करके फिर समाधि में चले गए।